बी कलर टू शो वन थर्ड इन ग्रीन एंड टू थर्ड इन ऑरेंज ओके सो यू हैव टू कलर टू शो दिस दिस इफ दिस इज दिस शेप इज़ वन थर्ड इफ मतलब कि अगर किसी शेप में थ्री पार्टी दिए हुए हैं तो आपको वन थर्ड इन ग्रीन करना मतलब कोई एक पार्ट आपको ग्रीन कलर से उसका कर देना है अगर वो थ्री है तो अगर उस शेप में थ्री इक्वल पार्ट हैं तो आपको एक जो उसका एक जो शेप होगा जैसे ये शुरू में दिया है एक ट्राइंगल टाइप बना है मगर ये छोटे छोटे थ्री फोर थ्री स्क्वायर्स बने हुए हैं इसमें से एक स्क्वायर को आप ग्रीन कलर से कलर कर देंगे ओके तो ये हो जाएगा वन थर्ड और अगर टू थर्ड मतलब कि अगर किसी भी शेप को अगर आपको टू थर्ड आपको कलर करना है जैसे थ्री शेप हैं और अगर आप ऑरेंज कलर करना चाह रहे हैं तो आपको टू शेप को ऑरेंज कलर से करना है है ना ग्रीन को सिर्फ वन में करना है और अगर आप ये सब शेप में अलग अलग होगा ओके सो डोंट बी कन्फ्यूज तो किसी भी शेप में कोई सा भी कलर आप फिल कर सकते हैं अगर ग्रीन करना चाहते हैं तो सिर्फ वन में कीजिए जिसमें वो वन थर्ड रहे और अगर आपको ऑरेंज कलर करना है तो आपको टू शेप में करना रहेगा जिसमें वो टू थर्ड रहे ओके आफ्टर दैट फिफ्थ रिंग द शेप वेयर आर वन अपॉन फोर इज पिंक तो अब आपको रिंग करना है जिसमें पिंक कलर वन अपॉन्ट फोर हो ओके सो टोटल शेप के पार्ट कितने होंगे फोर होंगे जिसमें से एक शेप पिंक कलर का शेडेड होगा ओके तो सबसे पहला देखिए इसमें एक कलर पिंक है और ये टोटल कितने हैं दे आर टोटल फोर सो वन अपॉन्ट फोर हुआ कि नहीं हाँ तो हम इसको रिंग कर देंगे सेकंड शेप अब आप ये खुद से बताइए कि ये फोर हैं टोटल कि नहीं और इसमें से एक जो कलर है वो पिंक किया है कि नहीं ओके इसलिए so आप खुद से करेंगे ये वाला सर्कल वाला इसके बगल वाला देखते हैं तो इसमें क्या है थ्री uh, पार्ट जो है इन्होंने शेडेड किया है पिंक कलर से और वन छोड़ दिया है और टोटल फोर ही हैं है ना लेकिन ये वन अप फोर नहीं है ये थ्री अप फोर हो जाएगा तो ये इसको हम रिंग नहीं करेंगे ओके इसी तरीके से आप ये बाकी के शेप भी देख लेंगे और खुद से करेंगे ओके okay, बहुत इजी है यू कैन डू इट आफ्टर बी में आ जाते हैं हम. फोर इज पिंक अब आपको कौन सा रिंग करना है जहां पर शेप टू अपॉन फोर पिंक हो ओके okay? तो so सबसे फर्स्ट शेप में देखिए यहाँ पे टोटल फोर शेप हैं, जिसमें से वन शेडेड है ओके okay? तो so, ये टू अपॉइंट फोर तो नहीं हुआ टू अपॉइंट फोर का मतलब है टोटल फोर हो और टू कलर पिंक कलर हो टू शेप को पिंक कलर से शेड किया हो है ना तो ये तो सिर्फ वन कल वन कलर ही वन ही शेड को वन ही शेप को शेडेड किया है तो ये नहीं है आफ्टर दैट सर्कल शेप दिस इज़ फोर शेप हाँ टोटल तो फोर इक्वली शेप हैं मगर थ्री शेप को इन्होंने पिंक कलर से किया तो ये तो थ्री अपॉइंट फोर हो गया तो ये भी नहीं है इसको भी हमें रिंग नहीं करना है आफ्टर दैट थर्ड शेप दिस इज टोटल इक्वली फोर फोर इक्वल पार्ट ऑफ दिस रेक्टेंगल एंड थ्री इक्वल पार्ट आर शेडिड विद पिंक सो दिस इज ऑल्सो थ्री अपॉन फोर न दिस इज ऑल्सो नॉट थ्री अपॉन फोर सो हम इसको भी रिंग नहीं करेंगे आफ्टर दैट वी आर कमिंग टू दिस स्क्वा शेप सो दे आर आर टोटल फोर शेप्स इक्वली एंड टू आर शेडिड विद पिंक सो दिस इज टू अपॉन फोर सो वी आर रिंग दिस इसके बाद के शेप आप खुद से इसको ए, ए, एनालिसिस कीजिए कि ये टू अपॉन फोर है कि नहीं है ओके बिल्कुल इसी तरीके से सी रिंग द शेप्स वेयर थ्री अपॉन फोर इज पिंक तो अब ये आपको बताना है कि ये इन शेप को कीजिए जो थ्री अपॉन फोर है तो सबसे पहला वाला तो नहीं है ये तो वन अपॉन फोर है है ना क्योंकि एक ही शेप इसका पिंक कलर से किया है तो ये तो नहीं है सेकंड सर्कल शेप सो दिस इज थ्री अपऑन फोर ना क्योंकि थ्री कलर थ्री पिंक कलर से शेड किया है और टोटल फोर है है ना सो थ्री अपॉन फोर ये वाला तो है हम इसको सर्कल कर देंगे ये रेक्टेंगल शेप दिस इज ऑल्सो थ्री अपॉन फोर ना बिकॉज थ्री इक्वल स्क्वायर शेप आर शेडेड विद पिंक कलर ओके एंड वन इज लेफ्ट सो टोटल आर दे थ्री फोर टोटल फोर शेप्स ना टोटल इक्वल फोर शेप्स आर दे इन दिस रेक्टेंगल सो दिस इज थ्री अपॉन फोर इज पिंक ओके after that you can do it as the same you can analysis this this is 3 uh, upon 4 or not okay so if this is 3 upon 4 you have to circle it and this is not so you can ab fir isko ignore kar denge aap okay d color the 1/4 in green and 3/4 in orange तो आपको इसको थ्री and फोर्थ में वन थर्ड वन फोर्थ को ग्रीन में करना है एंड थ्री फोर्थ को ऑरेंज में करना है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं अगर फोर्थ हैं तो आप वन को अगर ग्रीन कलर से करना चाहें तो आप कोई सा भी एक पार्ट इसका ग्रीन कलर से करेंगे और अगर ऑरेंज कलर से करना चाहते हैं तो थ्री फोर्थ को ऑरेंज कलर से करेंगे मतलब कि थ्री शेप इक्वल थ्री इक्वल शेप को आप ऑरेंज कलर से फिल कर देंगे एक छोड़ देंगे तो वो थ्री अपॉन फोर हो जाएगा ओके ई कलर टू शो टू फोर्थ इन ऑरेंज तो अब आपको इसको कलर करना है और क्या दिखाना टू अपॉन फोर तो टू शेड आप कर देंगे ओके ऑरेंज कलर से और टू अपॉन फोर वो हो जाएगा अगर आप टू इक्वल शेप इक्वल पार्ट को अगर आप ऑरेंज कलर से शेप करते हैं ओके सिक्स राइट टू फ्रैक्शंस फॉर ईच एज शोन वन हैज बीन डन फॉर यू तो एक तो इन्होंने करके दे दिया है राइट right? सबसे पहला वाला आप देखिए इन्होंने कर दिया है सो so, इन्होंने एक शेड इसका ब्लू कलर से यहाँ पे किया हुआ है शेडेड और इसका मतलब क्या है वन अपॉन्ट सिक्स इज ब्लू यस दिस इज ट्रू एक ही ये टोटल सिक्स है ना इस रेक्टेंगल में जिसमें से एक ही पार्ट को इन्होंने ब्लू कलर से किया इसका मतलब क्या हो गया वन वन ये है कि ये ब्लू कलर से जो है ये वन अपॉन सिक्स जो है ये इसके टोटल पार्ट हैं ओके सो इज इज ब्लू ब्लू एंड नॉट है ना क्योंकि एक तो ब्लू हो गया और कितने ब्लू नहीं है वन टू थ्री फोर फाइव सो फाइव अपॉन सिक्स इज नॉट ब्लू बी बी वाला जो है आप देखेंगे यहाँ पे टोटल कितनी शेप है वन टू थ्री फोर फाइव टोटल फाइव है तो कितना ग्रीन है इसमें से टू अपॉन फाइव इज ग्रीन ओके करेक्ट टू अपॉन फाइव इज ग्रीन एंड नीचे किया जाएगा डैश इज नॉट ग्रीन तो कितने ब्लैंक हैं इसमें से ब्लैंक so, है है ना सो टोटल फाइव हैं तो थ्री अपॉन फाइव इज नॉट ग्रीन ओके इस तरीके से कर लेंगे आप सी आप खुद से करेंगे सेवन चूज अ फ्रैक्शन टू शो द अमाउंट ऑफ जूस तो आपको फ्रैक्शन चूज करना है कि ये कितना फिल है यहाँ पे देखिए जूस भरा हुआ है इन चीजों में अब आपको पता करना है कि ये वन अपॉन थ्री है कि थ्री अपॉन फोर है ओके ये आप खुद से करेंगे